हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ जेनरिक साइकोलॉजी क्लास रादर. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट योर कोर्स विच इज़ देयर फॉर जेनरिक एज अ सब जेनरिक इन विच यू हैव ऑप्टेड साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. सो जो कोर्स है उसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इसको हिंदी में कहेंगे मादक द्रव्यों संबंधित विकृति या द्रव्य संबंधित विकृति. तो अब ये क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे. और आई हैड कॉल्ड यू टू द कॉलेज आल्सो ऑन 11th आई सपोज, एंड सम ऑफ यू हैड टर्न्ड अप, नॉट ऑल. तो उस दिन मैंने थोड़ा मटेरियल भी दिया था, फोटोस्टैटेड मटेरियल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड था, जिसमें आपका सिलेबस बहुत हद तक कवर हो गया था. तो वो मटेरियल भी मैंने दिया था, लेकिन जो नहीं आए हैं तो अब मैं ये कहूँगी ग्रुप के जो और आप लोग सदस्य हैं जो उस दिन आए हुए थे, कि जो वो मटेरियल मैंने आपको दिया है उसको ग्रुप पे डाल दें पिक्स उसकी, ताकि जिन लोगों को वो चाहिए और वो नहीं आए थे तो उनको भी ये मटेरियल मिल जाए. बाकी जैसे मैंने आपको कहा ही था कि नेट से भी आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. बुक्स में बहुत थोड़ा सा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको. तो जो है उसके बेसिस पे ही मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कशन करूँगी, बाकी आप नेट कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए. तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जो होता है ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इशू है. और जैसे आजकल का जो टाइम है वो एक बहुत विकासशील युग है, इट्स डेवलपिंग एरा, जिसमें हर चीज़ जो है डेवलप हो रही है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, हर तरीके की तरक्की जो है समाज में हो रही है. लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें भी समाज में पनप रही हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत हानिकारक हैं, और उसी में से एक है नशीले पदार्थों का सेवन. तो समाज में नशीले पदार्थों का सेवन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है. और जिन जो मेन नशीले पदार्थ हैं जिनसे जीवन में व्यक्ति के बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, समाज में समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन या मद्यपान का सेवन, और ड्रग्स, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो कि अफीम, हेरोइन, मैरिजुआना, चरस, गांजा, भांग, इस तरीके की जो औषधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का कारण बनती जा रही हैं. और इनका जो अत्यधिक सेवन है वो शारीरिक एवं साइकोलॉजिकल, दैट इज़ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल, दोनों रूप से हानिकारक होता है. इससे व्यक्ति की एडजस्टमेंट ख़राब होती है, साथ ही साथ साइकोपैथोलॉजिकल समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं. अर्थात उसका अपने जीवन से तालमेल तो खराब होता ही है, साथ में उसमें उसके जो मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं, और उसमें सूझबूझ, उसमें समझ की जो कमी है वो देखने को मिलती है, और जिसके कारण समस्याएं जो हैं उसके जीवन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. और ये एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कि इस तरह की चीज़ों को एड्रेस किया जाए, इनके बारे में बात की जाए, इनका कुछ इलाज निकाला जाए जिससे ऐसा ना हो. तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे. और ये जैसे कि मैंने बोला कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या द्रव्य संबंधी जो विकृतियाँ हैं वो मेनली दो तरह के द्रव्यों को लेने से होती है. एक तो है उसमें अल्कोहल या मद्यपानता, और दूसरा है ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो कि विभिन्न औषधियों के ऊपर निर्भरता के कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं. तो ये किस तरह की होती हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दैट ऑल्सो विल डिस्कस नाउ. पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय डेविसन एंड नील. डेविसन एंड नील जो हैं वो उनका क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत रिसर्च है,
और उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि ये जो है द्रव्य संबंधित विकृतियां जो हैं, विकृति कहते हैं किसी भी तरीके की डिसऑर्डर को, किसी भी तरीके की खराबी को, जिनमें औषध जैसे मद्यसार तथा कोकेन का दुरुपयोग इस तरह हद तक किया जाता है कि व्यवहार को समायोजित बन जाता है, यानी कि जिसमें अल्कोहल और कोकेन यानी कि ड्रग जो है विभिन्न इसमें उनका दुरुपयोग इस तरह से किया जाता है कि उसका व्यवहार जो है वो कुसमायोजी बन जाता है, वो नॉर्मल नहीं रह जाता है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, सामाजिक और व्यवसायिक कार्यवाही बाधित हो जाती है, उसका सामाजिक जीवन और व्यवसायिक जो फंक्शनिंग है, व्यवसायिक जीवन जो है उसका, वो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात वो सामाजिक और अपने प्रोफेशन में भी दिक्कतें महसूस करता है, और नियंत्रण या मध्य त्याग संभव बन जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसके बावजूद, जबकि इतनी दिक्कतें आ रही हैं व्यक्ति को, इसके बावजूद उसमें वो नियंत्रण नहीं कर सकता अपना ये सब्सटेंस यूज़ की प्रक्रिया पर, और ना ही उनको छोड़ सकता है, ना ही उनको त्याग सकता है। औषध पर अवलंबी या तो मनोवैज्ञानिक होता है जैसे द्रव्य दुरुपयोग में, या शारीरिक होता है जैसे द्रव्य निर्भरता में। अब दो तरह का हो जाता है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है कि वो बिना सब्सटेंस का यूज़ किए, बिना अल्कोहल या बिना ड्रग का यूज़ किए वो कुछ भी नहीं अपना काम कर सकता है, उस तरह का भी होता है, और शारीरिक भी हो जाती है द्रव्य निर्भरता में या व्यसन में। तो द्रव्य निर्भरता होती है कि उसका शरीर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, शरीर के प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं इन चीज़ों के सेवन पर, और जब तक वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करता, शरीर के प्रोसेसेस जो हैं उसके ठीक से नहीं चल पाते, और वो कई तरह की परेशानियां महसूस करता है। तो इस तरह से डेविसन एंड नील ने बताया है कि द्रव्य संबंधित विकृतियाँ या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। So, substance-related disorders are disorders in which drugs such as alcohol and cocaine are abused. यहाँ cocaine की जगह आप drugs भी कर सकते हैं, and cocaine and other drugs are abused to such an extent that behavior becomes maladaptive. उस व्यवहार जो है वो कुसमायोजित हो जाता है, यानी कि उसका व्यवहार जो है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें तालमेल नहीं रहता, and social and occupational functioning is impaired. सामाजिक और व्यवसायिक कार्य भी अवरुद्ध होते हैं, इम्पेयर हो जाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड कंट्रोल और एब्सटिनेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, और वो उनको उनके सेवन को नियंत्रित नहीं कर पाता, ना ही उन द्रव्यों के प्रयोग को छोड़ पाता है। रिलायंस ऑन द ड्रग मे बी आइदर साइकोलॉजिकल, जो ड्रग के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है या ड्रग प्रयोग करने की जो उसकी प्रक्रिया होती है वो तो या तो मनोवैज्ञानिक हो सकती है, जिसको सब्सटेंस यूज अब्यूज बोलेंगे, और फिजियोलॉजिकल एज इन ड्रग डिपेंडेंस, एज इन शुड बी ड्रग डिपेंडेंस। कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक हो गई कि जब वो अपने सोचने समझने उस तरीके के कार्यों को, या जब भी कभी वो तनाव में होता है, चिंता में होता है, तो वो ड्रग्स का सेवन करता है या अल्कोहल का सेवन करता है, वो हो गई मनोवैज्ञानिक निर्भरता। और फिर उसके बाद शारीरिक निर्भरता भी हो जाती है कि वो उसके बिना अगर वो रहे तो वो उसका शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं करता, शरीर के प्रोसेसेस ठीक से काम नहीं करते, और उसको कई तरह की शारीरिक लक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से किसी ये जो द्रव्यों का जो प्रयोग है, विभिन्न प्रकार के द्रव्य, खास तौर से मोटे तौर से हम दो तरह के बोल सकते हैं, तो अल्कोहल और दूसरी जो ड्रग्स हैं, औषधियाँ हैं, जिनके बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं, आए दिन जिनके बारे में आप अखबार में सुनते हैं, अपने आसपास सुनने को आपको आता है, तो ये इसीलिए इतनी खतरनाक हैं क्योंकि इनके ऊपर धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिक
निर्भरता और फिर शारीरिक निर्भरता हो जाती है, और इसका परित्याग करना, इसको नियंत्रित करना अत्यधिक मुश्किल और असंभव हो जाता है। इसलिए सबसे सही है कि इसमें ना पड़ा जाए, इनको पहले ही इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, इट बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें हमें आसपास देखने को मिलती ही हैं। अब किस तरह के लक्षण होते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, एक ही बात है, उनमें किस तरीके के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले एक्सेस अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स या औषधियों का अति दुरुपयोग। द्रव्य संबंधी विकृति वाले लोग औषधियों का दुरुपयोग बहुत अधिक करते हैं, किसी भी तरीके की जो ड्रग्स हैं उनका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। इसमें अल्कोहल भी आ जाता है और अन्य प्रकार की ड्रग्स भी आ जाती, तो जो द्रव्य हैं या जो ड्रग्स हैं उनका बहुत अत्यधिक जो इस्तेमाल है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं इस विकृति में, वो है विकृति होती है जैसे कि शरीर की डिजीज़ होती हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ होती हैं उनको विकृतियां बोल दिया जाता है। सो कुसमायोजी व्यवहार या मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। द्रव्य संबंधी विकृतियों वाले व्यक्तियों के व्यवहार कुसमायोजित बन जाते हैं, यानी कि उनका जो समायोजन होता है अपने डे टू डे से, उनका जो तालमेल होता है, जैसे एक नॉर्मल आदमी अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कर पाता है, अपने सारे दायित्वों को निभा पाता है, तो यहाँ उनका वो जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है, उसको को समायोजन कहते हैं और मैल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कभी वो बहुत ज़्यादा विषादी या डिप्रेस्ड दिखाई देता है, और कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है, या उसकी जो बातें होती हैं एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को समायोजित करने में विफल होते हैं। तो कुसमायोजन का ये ही एक प्रधान लक्षण होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित करने में विफल हो जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है उन लोगों में जिनमें द्रव्य संबंधी विकृतियाँ जो है वो होती हैं। देन थर्ड है विकृत सामाजिक संबंध, इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप्स। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति द्रव्य संबंधी विकृतियों से पीड़ित होता है उसकी सोशल फंक्शनिंग या सामाजिक कार्यवाही जो है वो भी बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है, और वो समाज के अन्य लोगों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा नहीं होता समाज के अन्य लोगों से। देन विकृत व्यावसायिक कार्यवाही या इम्पेयर्ड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। जो इस विकृति से पीड़ित होते हैं वो अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी माल एडजस्टेड होते हैं, अपने प्रोफेशन में भी उनकी एडजस्टमेंट अच्छी नहीं होती, और उसमें जो है इस हद तक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ठीक से नहीं निभा पाते। देन ड्रग रिलायंस या औषध अवलंब। जो ये द्रव्य संबंधित विकृति वाले लोग होते हैं या सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं जो इससे पीड़ित होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो ड्रग्स पे या ड्रग्स जो है वो ड्रग्स में वो अल्कोहल भी आ जाएगा और दूसरी ड्रग्स भी आ जाएंगी, जैसे कि कोकेन, चरस, भांग, गांजा इत्यादि वो सब आ जाएगा। तो इस तरह इतने वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनके लिए अपने आप को कंट्रोल करना और उन चीज़ों से परहेज़ करना उसके लिए असंभव बन जाता है। तो ये हो गया, ड्रग रिलायंस उनकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन ड्रग डिपेंडेंस या सब्सटेंस डिपेंडेंस, द्रव्य निर्भरता यानी कि सब्सटेंस डिपेंडेंस। द्रव्य संबंधी विकृतियों में दो प्रकार की निर्भरता पाई जाती है, दो तरह से जो है व्यक्ति निर्भर हो सकता है इन सब्सटेंसेस पे, दैट इज़ अल्कोहल या ड्रग्स पे। एक तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है और दूसरा है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। पहले प्रकार की निर्भरता अर्थात मनोवैज्ञानिक निर्भरता द्रव्य दुरुपयोग में देखी जाती है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति जो है वो
निर्भर हो जाता है सब्सटेंसेस के ऊपर, और वो इनका प्रयोग इस हद तक करता है कि मनोविज्ञानिक मनोसाइकोलॉजिकल लेवल पर वो डिपेंडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा इन द्रव्यों पर, और हमेशा वो इनको प्राप्त करने की दिशा में दिन भर प्रयत्नशील रहता है कि किस तरह से मुझे ड्रग्स मिल सकते हैं, किस तरह से मुझे अल्कोहल मिल सकता है इत्यादि, और साथ ही साथ वो स्ट्रेस प्रतिबल और स्ट्रेस से भी पीड़ित रहता है, और स्ट्रेस का मेन कारण होता है कि कहाँ से उसको और कब उसको ये द्रव्य जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त होंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी सामाजिक और व्यावसायिक जो फंक्शनिंग है वो बहुत प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो हर समय किस पे रहता है कि उसको ड्रग्स कहाँ से मिलेगी, उसको अल्कोहल कहाँ से मिलेगा, तो उसका जो और सोशल लाइफ है नॉर्मल, या उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है अपना नौकरी है या रोज़ी रोटी कमाने का जो साधन है उसमें बहुत तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी जो डिपेंडेंस होती है उसको साइकोलॉजिकल, ऊपर वाली थी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, स्पेलिंग गलत है, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें सहनशीलता द्रव्यों के लिए कम हो जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा भी ये जो ड्रग्स हैं उस पर थोड़ी बहुत ड्रग्स जो हैं वो या सब्सटेंस जो जो भी हैं, चाहे वो ड्रग है चाहे वो अल्कोहल है, वो उनके लिए उसके अंदर सहनशीलता डेवलप हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत पीने से उसको असर नहीं होता, उसको ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और अगर वो इनका प्रयोग ना करे जब तो विड्रॉल सिम्टम्स कई तरह के देखने को मिलते हैं, कई शारीरिक लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे पसीना आना, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, कई तरह की दर्दें होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ा जाना, वो सारी चीज़ें भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लक्षण हैं या नेचर है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, कि इस तरीके के जनरल सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो मद्यपानता या अल्कोहलिज्म या अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, और दूसरा औषध निर्भरता या औषध संबंध विकृति, ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। अब पहले अगर हम बात करें अल्कोहलिज्म की, तो अल्कोहलिज्म क्या होता है कि मादक द्रव्यों का अत्यधिक सेवन, मानसिक गड़बड़ी, मादक द्रव्यों की मात्रा लेने के नियंत्रण में कमी, पारस्परिक तथा आर्थिक अवस्था में कठिनाई आदि बातें जो हैं इसमें सन्निहित होती हैं। मतलब हम कब कहते हैं कि व्यक्ति अल्कोहलिज्म से पीड़ित है, अत्यधिक सेवन जब वो करता है अल्कोहल का, पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं, जो मद्यपानता या शराब से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, तो अत्यधिक सेवन करता है व्यक्ति, उसमें मानसिक गड़बड़ी जब वो ये अल्कोहल जो वाली जो डिसऑर्डर होता है इसमें मानसिक रूप से भी डिस्टर्बेंस जो है व्यक्ति में पाई जाती है, उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनमें गड़बड़ी देखने को मिलती है, और मादक द्रव्यों की मात्रा लेने के नियंत्रण में कमी, वो नियंत्रित नहीं कर पाता है मादक द्रव्यों की मात्रा, यानी कि अल्कोहल कितना लेना है, किससे कितनी मात्रा से उसको नुकसान ज़्यादा होगा, उस सब में कमी जो है वो हो जाती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। पारस्परिक तथा आर्थिक अवस्था में कठिनाई इत्यादि, लोगों के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाते हैं और आर्थिक अवस्था भी उसकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका मोस्टली जो समय है वो अल्कोहल यूज़ करने में और उसको ख़रीदने में ही उसका तन मन धन जो है वो सब चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अल्कोहलिज्म में ये चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा जो उसकी डेफिनेशन है, मद्यपानता एक व्यवहार विकृति है जिसमें मादक पेय का उपयोग अत्यधिक होता है, यानी कि अल्कोहल लेने की जो बीमारी है जिसको मद्यपानता या अल्कोहलिज्म बोला जाता है, ये इसमें मादक
पेय जो कि अल्कोहल या शराब है उसका उपयोग अत्यधिक रूप से होता है, जो स्वास्थ्य तथा सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्यवाही को इस तरह बाधित कर देता है कि मद्यपान पर शारीरिक निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। ये जो है ये इतना ज़्यादा अत्यधिक इसका इस्तेमाल जो है व्यक्ति करने लगता है कि जिससे उसका स्वास्थ्य तथा सामाजिक सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत बाधित हो जाता है या उसमें बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है, और अल्कोहल पर व्यक्ति की शारीरिक निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। वो बिना अल्कोहल पिए उसके शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक सिस्टम्स हैं, वो उनका कार्य जो है वो प्रभावित होता है और उसके लिए मजबूरी बन जाता है कि उनका प्रयोग करता ही रहे निरंतर। देन एक और डेफिनेशन है बाय सैरसन एंड सैरसन, इसके अनुसार मद्यपानता या अल्कोहलिज्म दुरुपयोग का तात्पर्य मद्यपान के अत्यधिक उपयोग से है, अधिक उपयोग से है, जिसके कारण व्यवसाय निष्पादन घट जाता है और अंतर व्यक्तिक संबंधों का गुण निम्न बन जाता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू सैरसन एंड सैरसन, मद्यपानता या अल्कोहलिज्म जो है वो बहुत अधिक उसमें प्रयोग किया जाता है शराब का व्यक्ति द्वारा, जिसके कारण उसका व्यवसाय की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी जो कुछ ना कुछ जो काम कर रहा होता है वो जीवन में, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और अंतर व्यक्तिक संबंध जो हैं उसके लोगों से संबंध, चाहे वो परिवार है चाहे वो अन्य लोग हैं, वो बहुत निम्न हो जाते हैं, मतलब बहुत प्रभावित हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेविसन एंड नील, एज आई ऑलरेडी discussed in Hindi, alcoholism is a behavioral disorder in which consumption of alcoholic beverage is excessive, जिसमें alcoholic जो substances हैं जैसे शराब इत्यादि विभिन्न प्रकार की, उसका consumption जो है वो बहुत ज़्यादा excessive होता है and impairs health and social occupational functioning, और जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन को प्रभावित करता है। physiological dependence ऑन अल्कोहल और साथ ही साथ उसकी शरीर की निर्भरता जो है वो अल्कोहल पे हो जाती है, उसका शरीर जो है वो अपने कार्यों के लिए अल्कोहल पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन सैरसन एंड सैरसन, अल्कोहल अब्यूज रेफर्स टू द ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल अब्यूज जो है वो ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल है, जिसकी वजह से लोअर जॉब परफॉर्मेंस, लोग अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा पाते या उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाती है, लोअर हो जाती है, एंड लोअर्ड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, साथ ही साथ उसके अन्य व्यक्तियों से संबंध जो हैं वो भी बहुत निम्न स्तर के हो जाते हैं एंड बहुत पुअर हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन अल्कोहलिज्म या मद्यपान संबंधी विकृतियाँ, जो कि सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर। अब इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो अल्कोहलिज्म है इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं कि ये अलग अलग तरह से शुरू होता है और फिर वो आगे 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 उसकी वो बढ़ती रहती हैं स्टेजेस। अब जो भी हमने ऊपर डेफिनेशंस की बात की उसमें कुछ एक चीज़ें देखने को कॉमनली मिलती हैं, एक तो ये कि जो अल्कोहलिज्म या मद्यपानता है ये एक जीर्ण रोग या विकृति है, लंबे समय से चला आ रहा एक प्रॉब्लम होता है। इसमें जो जिस कम्युनिटी जिस समाज का वो सदस्य होता है उसमें जो पर वहाँ की जो कायदे कानून होते हैं या वहाँ के जो नियम होते हैं वो उसका उल्लंघन पाया जाता है, यानी कि वो विरुद्ध होता है, समाज के विरुद्ध जो होता है उस तरीके का इसमें कैरेक्टर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा शराब का पीना समाज में किसी भी समाज में मान्य नहीं है। इसमें मादक द्रव्य का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसका सेवन बार बार किया जाता है, मादक द्रव्य पीने पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह जाता है, मादक द्रव्य लेने से व्यक्ति में मानसिक गड़बड़ी हो जाती, सोचने समझने कार्य करने की क्षमता जो है उसकी वो बहुत विकृत हो जाती, खराब हो जाती है, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ इसमें सामाजिक और आर्थिक जो उसकी व्यवस्था है जीवन की उसमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं।
और इसके अलावा ये देखने में आता है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हों, चाहे वो और अपराध हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में पड़ जाती हैं। तो इसलिए जो ये है अल्कोहलिज्म या अल्कोहल अत्यधिक अल्कोहल का कंजम्पशन जो है, ये एक बहुत बड़ी विकराल समस्या का रूप जो है वो लेता जा रहा है। अब इसकी विभिन्न स्टेजेस होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। जब शुरू में क्या होता है कि व्यक्ति, इसलिए इसको लेना शुरू करता है कि उसके इन अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के तनाव और भय दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आराम का अनुभव करता है। तो यहाँ से जो है उसको ये पीने की आदत पड़ जाती है, या पीने का उसको रास्ता जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि पहले कहीं किसी ने उसको कहा, फ्रेंड्स ने कहा, या अन्य लोग ले रहे थे, उनकी देखा देखी में उसने ये किया, तो उसने देखा कि उससे उसके तनाव और कोई भी डर उसके अंदर नहीं रहता। जो व्यक्ति को शर्मीला और लज्जालू होता है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं, वो भी बहुत बोलने लगता है, तो उसका जो भय होता है, संकोच होता है, वो दूर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो आराम का अनुभव करता है। इस प्रभाव से, जो इन चीज़ों के ये प्रभाव होते हैं, उसके कारण व्यक्ति को इन चीज़ों की तरफ आकर्षण उत्पन्न होता है। और फिर विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं वो सामने जो है वो आती हैं, देखने को मिलती हैं। सबसे पहले प्री अल्कोहलिक फेज, इस जहाँ तक फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म है, इसके ऊपर ईएम जेलिनेक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस विषय पर, अल्कोहलिज्म के ऊपर। और इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद चार अवस्थाओं में बांटा है अल्कोहलिज्म या मद्यपानता की जो विकृति है उसके होने को, या उसमें किस तरह से उन्नति होती है। तो पहले है प्री अल्कोहलिक फेज, या जिसको प्राक मद्यप अवस्था या मद्यपान से पूर्व की लक्षणात्मक अवस्था भी बोला जा सकता है। मादक द्रव्यों के सेवन करना वाला व्यक्ति सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं के अनुसार ही शराब पीना प्रारंभ करता है। पहले वो जैसे जैसे उसके कल्चर में या थोड़ा बहुत सोशल गैदरिंग में वो पीना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही वो पीने के बाद काफ़ी आराम जब महसूस करने लगता है, इस तरह पीना उसके लिए पुरस्कार का काम करने लगा। उसको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो बड़ा आराम मिल रहा है, कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस कारण शराब पीने के बाद तनाव और भय जो है वो व्यक्ति भूल जाता है और काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। और इस तरह से तनाव को कम करने के लिए कभी कभी मादक द्रव्यों का वो सहारा लेना शुरू करता है, क्योंकि उससे इसको कहीं ना कहीं तनाव की, जो जीवन के छोटे मोटे तनाव हैं, उसमें कमी महसूस होती है। और उसको, क्योंकि तनाव का समाधान करना उसको सही तरह से नहीं आता है, तो वो राहत अनुभव करने लग जाता है इन पदार्थों का सेवन करके, अपने आप को वो आराम की स्थिति में पाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी जो सहनशीलता है इसके प्रति वो कम होती रहती है, और तनाव होने पर वो एकदम, तनावों के प्रति सहनशीलता जो है उसकी वो कम हो जाती है, और जैसे ही थोड़ा सा भी तनाव होता है तो मद्यपान का सहारा लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये सबसे इजी तरीका लगता है तनावों से निपटने का। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में आजकल के युग में तनाव नहीं है। तो कुछ लोग तनावों को, उनको सॉल्व करना, उनको, उनके लिए रास्ता निकालना, उनसे निपटना जानते हैं सही तरीक़ों से, और कुछ लोग जो है आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश में शराब का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। और फिर जो है उसको वो नियमित तो उसका सेवन करने लग जाता है, और कई महीनों या 2 वर्षों के सेवन के बाद वो ये प्री अल्कोहलिक फेज जो है उसका वो शुरू हो जाता है, और इस अवस्था को प्री अल्कोहलिक फेज या प्राक मद्यप अवस्था कहा जाता है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक अवस्था जो है, जब शुरुआत होती है। फिर उसके बाद प्राक मद्यप अवस्था जो है, जो कि बिल्कुल बिगिनिंग वाली अवस्था होती है, प्री अल्कोहलिक। फिर आ गई प्रोड्रोमल अर्ली फेज, प्रारंभिक अवस्था।
ये डॉर्मल लिखा है, इट्स ड्रोमल, DRO, प्रोड्रोमल और अर्ली फेज। जब व्यक्ति चिंता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब पीना आरंभ कर देता है तो मद्यपान की प्राक मध्यावस्था से प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। अब पहले व्यक्ति जो है वो वैसे ही देखा देखी में पीना शुरू करता है या दूसरों के कहने से शुरू करता है पीना, फिर उसको उसमें आराम मिलने लगता है, फिर वो धीरे धीरे तनावों की वजह से पीना शुरू कर देता है और फिर वो इस प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है वो अधिक अधिक शराब पीना शुरू कर देता है और ऐसा वो अपनी चिंता और मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से करता है। जब वो शराब के नशे में रहता है तो वो किसी प्रकार से प्रदर्शित नहीं होने देता कि उसने नशा किया हुआ है स्टेज में जब वो होता है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से, लोगों से सामान्य ढंग से बातचीत भी करता है, अपने काम को, जो भी उसके काम होते डे टू डे उनको भी वो ठीक से करने का प्रयास करता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी उसमें स्मृति लोप या एमनीजिया कुछ देर के लिए देखा जा सकता है, कभी कभी भूल जाता है अपने किए हुए बातों को या कार्यों को। और फिर यहाँ ये भी देखा जाता है कि वो अन्य लोगों से छुपकर भी पीने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका अल्कोहल का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो डरता भी है इसके प्रभाव से, और यदि कोशिश की जाए तो वो जो व्यक्ति है वो इस स्टेज पे इसको छोड़ सकता है इस आदत को, क्योंकि वो अपने व्यवहार को अच्छी तरह से समझता है, अभी उसमें समझ बूझ बची होती है। इस तरह इसमें इस जो ये जो अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था, इसमें चुरा कर पीना, लोगों से छुप छुप के पीना और पीने की ही बातों में इन्वॉल्व रहना कि कैसे पीऊँ, कब शराब पीऊँ, कहाँ से मुझे शराब पीने को मिलेगी, उस तरीके की जो तल्लीनता होती है व्यक्ति की वो देखने को मिलती है। और गटागट पीना यानी कि खूब सारी शराब जो है एक साथ पी लेना, और अगर कोई पीने के बारे में उससे कुछ बात करे, क्वेश्चन करे, तो उसको अवॉइड करना, उसके बारे में बात ना करना, उसमें स्मृति लोप या भूल जाना चीज़ों को, गिल्ट फीलिंग, खुद को वो दोष भाव महसूस उसमें होता है, ये सब चीज़ें जो है इस स्टेज में देखने को मिलती हैं उसके अंदर। देन थर्ड इज क्रूशल फेज या संगीन अवस्था, या इसको संकटकालीन अवस्था भी कहा जा सकता है। तो जब ये थर्ड स्टेज है, इस अवस्था में जो रोगी होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने शराब पीने या मदिरा पान पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है, अपने पीने के ऊपर भी नियंत्रण नहीं कर पाता कि कितनी मात्रा में पीनी, कब पीनी, और ना ही वो अब क्या व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, उस पर नियंत्रण भी नहीं कर पाता। उस समय तक वो मदिरा का सेवन करता है जब तक उसमें चेतना रहती, जब तक वो कॉन्शियस रहता है, और इतनी पी लेता है कि वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि पी के वो बिल्कुल जैसे होता है बेहोश सा हो जाता है। जब वह मानसिक तनाव की अवस्था में रहता है तो पीना शुरू कर देता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह अंतिम दौर है। जब वो कोई उसको थोड़ी सी भी किसी तरह का तनाव महसूस करता है तो वो पी लेता है और बोलता है कि अब आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा, आज मेरे को ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं पी रहा हूँ, मैं कभी नहीं पीऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसको नहीं पीना बंद नहीं कर पाता है। और यहीं से जो बहुत सीरियस जो स्टेज है, जीर्ण अवस्था जिसको कहते हैं, उसका प्रारंभ हो जाता है। और जो ये क्रूशल फेज़ है, इसमें पीने के वो बहाने ढूंढता है, परिवार द्वारा भी उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि परिवार के लोगों पर भी उसकी इन आदतों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फिजूल खर्ची उसकी बढ़ जाती है, आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, कभी कभी निरंतर पश्चाताप भी वो करता है मन ही मन, या लोगों के सामने भी कभी वो पश्चाताप दिखाता है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने फ्रेंड्स को वो अवॉइड करना शुरू कर देता है, जो भी वो काम कर रहा होता है वो हाथ से निकलने का डर जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सुबह से ही पीना शुरू कर देना और पीने के अपनी आदत पे नियंत्रण जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो ये सारी जो है वो क्रूशल फेज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
और वो अत्यधिक नशे की हालत में रहता है और वो बीमार जैसा हो जाता है। और साथ ही साथ वो अपनी इस आदत को समझता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है ना, और अपनी इस आदत के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है ना। धीरे धीरे उसके मित्र कम होने शुरू हो जाते हैं और नौकरी भी उसकी छूटने का डर हो जाता है। तो इस तरह से अपनी फैमिली के मेंबर्स के प्रति भी दुश्मनी का भाव उसमें हो जाता है और सुबह उठते ही वो पीना शुरू कर देता है मदिरा। तो ये संगीन अवस्था। देन जीर्ण अवस्था या क्रॉनिक फेज, ये एक ऐसी फोर्थ स्टेज है। इस अवस्था में रोगी इतना मद्यपान करता है कि उसका प्रतिरोध करने में वह असमर्थ रहता है, अर्थात वो पीता ही रहता है। वो कंट्रोल बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाता है अपने पीने पर। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक मदिरा पान कर बदहोश रहता है, किसी काम का नहीं रह जाता वो व्यक्ति। यहाँ तक कि इस अवस्था में व्यक्ति की चिंतन तथा नैतिक क्रियाओं में भी कमी आ जाती है, ना तो वो सोचने समझने की उसमें शक्ति रहती है, ना उसे सही गलत का कुछ अंदाज़ा रहता है। और कई तरीके के मानसिक समस्याएँ भी उसमें, मानसिक रोग के लक्षण भी उसमें देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले व्यक्ति शराब पीकर मानसिक तनाव और भय से कुछ देर तक छुटकारा पा लेता था, लेकिन अब इस अवस्था में पीने से शराबी में, जो शराब पीने वाला व्यक्ति, उसमें मानसिक संघर्ष और प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। अब जो है उसमें शराब पीने के बाद वो अपने उसमें स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्ति इस प्रकार के संघर्ष और प्रतिबल से छुटकारा पाने के लिए और अधिक शराब पीना शुरू कर देता है। इस तरह उसकी उलझनें जो हैं वो घटने के बजाय बढ़ती रहती है, और अंत में वो इस मायावी शराब के चंगुल से निकलने में असमर्थ हो जाता है। और इसमें अत्यधिक भय, कोई भी काम करने में वो अपने आप को अयोग्य महसूस करता है ना, पीने की बाध्यता कि उसको शराब पीनी ही है, उस तरीके का उसका व्यवहार हो जाता है। शारीरिक कंपन उसमें देखने को मिलती है, और मानसिक और शारीरिक गतियां जो हैं उसमें, क्रियाएं जो हैं उनमें भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, इज़ नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, और देन उसकी जो नैतिक पतन है वो भी देखने को मिलता है। एथिकल डिटेरियोरेशन उसमें देखने को मिलती है, सही गलत का उसको बहुत ज़्यादा, वो उसके बारे में चिंता नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उसको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या नैतिक क्या अनैतिक। और पीने की आदत को छुड़ाने के लिए भी वो सोचता है कि पीना ही उसका इलाज है, और इस तरह से वो पूर्ण हार स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति पूरा सरेंडर हो जाता है शराब के आगे, सब कुछ उसका जो है वो शराब की वजह से ही नियंत्रित होना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति पूरी तरह से शराब के आगे घुटने टेक देता है। तो इस तरह से ये जो चार अलग अलग स्टेजेस हैं वो व्यक्ति की अंदर अल्कोहलिज्म के कारण देखने को मिलती हैं, और इस तरह से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी स्टेज जो है व्यक्ति की होती चली जाती है, और वो पूर्णता उसके चंगुल में पड़ जाता है, शराब के चंगुल में। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी पिक्स भी मैं इस मटेरियल की डाल दूँगी, कुछ और मटेरियल जो मैंने आप लोगों को दिया था, उन स्टूडेंट्स को जो आए थे कॉलेज में, मैं वो चाहूँगी कि वो जो है इस पे पिक्स डाल दें, ताकि जो लोग नहीं आए थे उनको भी वो मिल जाए उसकी पिक्स, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी इसमें डाल दें। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इट्स अ सिंपल जनरल टॉपिक है, तो इतना कुछ टेक्निकल नहीं है, आप इसको आराम से कर पाएंगे। अपनी जो अटेंडेंस है आप इसके जो कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे उसमें डाल दें, जो भी लोग इसको देखेंगे अभी इसको, उसके नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में इसके अटेंडेंस डाल दिया करें। ओके, थैंक यू, सी यू इन अदर वीडियो।